आज हमारे लिए एक बड़ा, हम सब रंजीदा हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। और जो कुछ पिछले चंद दिनों में इमरान खान, जिसको मैं, आप मना भी करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि ये फितना है, इंतशार है, और उसके फितने और इंतशार जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके ट्रेंड लोगों ने, जो अफगानिस्तान से आए हुए थे, जो पुलिस पे पेट्रोल बम फेंकते थे, फायरिंग करते थे, उन्होंने जिस तरह जना हाउस को जलाया, जिस तरह उन ट्रेंड लोगों ने कोर कमांडर के घर को जलाया, जिस तरह उन्होंने हमारे शदा के जो मुजस्मे थे उनको तोड़ा, जिस तरह उन्होंने हमारे मियां अली में, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ फरमा हो जाएं। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन। जिस तरह हमारे वो जहाज जनाब स्पीकर, जिनको आज तक इंडिया फायर नहीं कर सका, इन कमबख्तों ने, इन मुल्क दुश्मनों ने, इन गद्दारों ने, ये जो इसराइल के एजेंट हैं, ये जो यहूदी हैं, इन्होंने उन हथियारों को भी जनाब स्पीकर आग लगा दी। मियां अली में जो हमारे अरबों डॉलर के असासे हैं, उन जहाज़ों को भी आग लगाने की कोशिश की। इन्होंने रेडियो स्टेशन पेशावर को आग लगा दी। इन्होंने वो कुछ कर दिया जो आज तक जनाब स्पीकर इंडिया नहीं कर सका, जो आज तक तालिबान नहीं कर सके, इस इंतशार और फितने और यहूदी एजेंट और पाकिस्तान को तोड़ने वाले इमरान खान के पुजारियों और फितनों ने वो काम किया है जिससे हमारे सर उन शदा के सामने, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। और जनाब स्पीकर, आज हम, ये पूरा हाउस मेरे से, हुकूमत वाले भी इस बात पे एग्री करेंगे कि ये पूरा हाउस आज शर्मिंदा है, पूरी कौम शर्मिंदा है कि हमारे उन शदा, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम आज दुनिया के खित्ते में, पाकिस्तान मौजूद है दुनिया के नक्शे पर, इन्होंने उनकी जो बेहरमती की है जनाब स्पीकर, इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन अदालतों ने तो जनाब स्पीकर, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं कहा, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नहीं कहा, जो नवाज शरीफ को नहीं कहा, इसको तो जनाब हमारे अदालतें, जिस तरह ये उनका दामाद है, जिस तरह ये उनका दामाद है, उस तरह उनको कहा जाता है जनाब वेलकम। जनाब हमें आपको देख के बड़ी खुशी हुई। जनाब अगर इस यहूदी एजेंट को देख के इन अदालतों को बड़ी खुशी होनी है, तो फिर जनाब ये अदालतें छोड़ दें, और पीटीआई के ये भी किसी जगह से, मेरे हलके में सीट खाली पड़ी है, वहाँ पे आके ये पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ लें, और अपनी, इनकी और इनके खानदानों की और इनके बच्चों की और इनकी ख़ास तौर पे इनकी बेटियों की जो पीटीआई के साथ मोहब्बत है, अपनी वो मोहब्बत पूरी कर लें और पीटीआई में शामिल हो जाएं, और उन जजों को आने का मौका दें जो एक गरीब आदमी को इंसाफ दे सके, जो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कर सके, जो इस मुल्क में इंसाफ लोगों को दे सके। ये जो यहाँ पे बैठ के हमने 40 साल में नहीं सुना, ख्वाजा साहब आप गवाह होंगे, कभी रिमांड में भी किसी को जमानत मिली है 40 साल में? आपने कभी सुना है? कोई अदालत का सबूत नहीं है। लेकिन जनाब रिमांड के दौरान उस लाडले को, उस यहूदी एजेंट को बुला के जनाब उसको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ पुलिस रेस्ट हाउस में भेजा गया,
कि जिससे मर्जी मिलो। और वहां पे जनाब स्पीकर जुल्म देखें कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुलिस लाइन के जो इंचार्ज थे उनको फोन किया, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ये लाडला आज रात इधर है, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जनाब अगर हाई कोर्ट ने फैसला करना था तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता था कि आज की रात ये सिर्फ इधर है, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जनाब स्पीकर, मैं इन जौदी एजेंटों, इमरान खान फितने इंतशार, जिसने वो काम कर दिया है जो आज तक हमारे दुश्मन नहीं कर सके, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और मुतालबा के इमरान खान और इसके वारियों ने, जिन्होंने हमारी अफवाजे पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश की है, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा। माइक खोलें लीडर ऑफ द अपोजिशन का। ऐ भी लगता जनाब यौदी जनरल। तो जनाब स्पीकर, इस मुल्क दुश्मन को अगर लगाम ना डाली गई तो आज मेरी ये बात रिकॉर्ड पर आ गई है, लिख ले कि ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो कुछ हो सका ये करेगा, ये कमी नहीं करेगा। तो अपने शहदा के लिए, अपने पाक फौज के साथ ज़ारे यकजहती के लिए, पाकिस्तान के साथ ज़ारे यकजहती के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अलामती तौर पे या तो 10 मिनट के लिए हाउस को एडजर्न करें, या 10 मिनट के लिए जनाब स्पीकर लगातार कौमी तराना बजाएं, और इन बगैरतों के अंदर जो पाकिस्तान की खिलाफ दुश्मनी है वो इनके दिलों से निकले और ये पाकिस्तान के मुब्बे वतन बने। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब सलाहुद्दीन साहब।